दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जब किडनी फेल हो जाए उसको नेचुरल तरीके से किस तरह से ठीक करना है। देखिए, भगवान ने इंसान को बनाया तो उसकी हर एक चीज बहुत ही लाजवाब है। तो उस मानव के शरीर में किडनी होती हैं दो, तथा उसका काम होता है कि जितना भी वेस्ट है उसको बाहर निकालना। तो जब यह डेड हो जाएगी, खराब हो जाएगी, तो उसके जो आपको सिम्टम्स मिलेंगे कि आपका वेट कम हो जाएगा, आपको बहुत ही कमजोरी महसूस होगी, इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। तो अगर आपने अपनी जिंदगी को बचाना है तो परमात्मा आपकी सपोर्ट कर सकता है। तो वो सपोर्ट कैसे मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल है वॉकिंग, चलना। चलना परमात्मा ने हर तरह की बीमारी का इलाज चलने से कर दिया। देखो, दो लातें मिली हमें, जैसे दो किडनी है, उसका काम है फिल्टर करना, जो वेस्ट उसको बाहर निकालना। जब उसमें कोई पॉइजन है, कोई चीज उसमें खराब है जिससे वो अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि डेड तो कोई चीज होती नहीं है, आत्मा अमर है, सिर्फ बॉडी अपना काम छोड़ देती है। तो वाकई ही वास्तव में उसका जो काम है उसको वहां लेके आने के लिए आपको चलना पड़ेगा। आप चलिए, सुबह होती है और शाम होती है, इस बीच में 12 घंटे हैं। तो अगर आपको लगता है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया आपकी किडनी फेल हो गई, तो चलना स्टार्ट कर दीजिए। परमात्मा ने दो लातें दी हैं, वो तो फेल नहीं हुई, उसकी मदद से आप अपनी किडनी को बचा सकते हैं, वापस आपकी किडनी ठीक हो जाएगी। सुबह 9 बजे का टाइम, आपका टारगेट चलना। चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, टाइम बिताते जाइए। कहां से कहां तक चलना है? अरे, जहां तक आप सिंपली चलते हो, चलते हो, चलते हो, तो चलते रहिए। सुबह 9 बजे का टाइम, शाम को 6 बजे का टाइम, चलना है, क्योंकि डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया किडनी इज अ फेल, फेल हो गई, अब हमारा हाथ नहीं है। तो परमात्मा को डॉक्टर मानिए, लातें आपकी ठीक हैं, गिफ्ट गॉड का दिया हुआ है, उसको आपने इस्तेमाल नहीं किया, लातें चलने के लिए होती हैं, उसको चलाइए। दो लातें दी हैं, आपकी लातें ठीक है, तो चलिए भाई, चलते जाइए, चलते जाइए, किडनी ठीक होगी। किडनी के साथ बहुत सारी बीमारियां, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो भी ठीक होगी। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक चलते हैं, ना थक जाए, बैठ जाइए, रेस्ट कीजिए, भूख लगे तो कुछ खा लीजिए, फिर चलिए, चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, क्योंकि चलना ही जिंदगी है। आपका डिसीज, आपकी आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, दिस इज अ गारंटी। 1 महीने का टाइम फिक्स कर लीजिए, कोई काम नहीं करना, सभी काम ऑफ, क्योंकि हेल्थ के अलावा कोई भी काम इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर आप हेल्थी नहीं हो तो समझिए आपके सब काम डेड हैं। तो पहला काम ये करना है। दूसरा है, नेवर ईट मीट, चिकन एंड एग्स। अब ये मैं बता देता हूं कि ये जो तीनों चीजें हैं, मांस, मच्छी, अंडा, ये जो तीनों चीजें हैं ये नुकसान देती हैं, क्योंकि हमारी मशीन ऐसी बनी नहीं है। देखो, हमारी मशीन इतनी सी है, जो मांसाहारी जानवर होते हैं, जो भगवान ने नॉन वेज एनिमल बनाए हैं, उनको ना मुंह में पानी आ जाता है। एक शेर दिखता है हिरन को, उसके मुंह में पानी आ जाता है, इसको मैंने खाना है। ह्यूमन बींग के मुंह में पानी नहीं आता हिरन को देख के, तो उसके मुंह में पानी कब आता है? जब वो सेब को दिखता है, अनार को दिखता है, आम को दिखता है, आपके मुंह में पानी आता होगा। कभी आपने देखा पिग को देख के आपके मुंह में पानी आता हो? इट मींस आपने अब तक मांस, मच्छी, अंडा खाया, कहीं भी खाया, उससे आपकी किडनी फेल हो गई, उसकी जो मशीन थी उसको आपने डेड कर दिया। तो आज से इसको खाना बंद कर देना है। नेवर ईट मीट, चिकन एंड एग्स। जो मशीन जिस काम के लिए है वो अपने आप ठीक हो जाएगी, जब गलत भोजन आप नहीं खाओगे, आपके अंदर गलत चीजें नहीं जाएंगी।
नेवर ड्रिंक सर टी, जैसे ये खराब चीज है जैसे ये भी खराब चीज है। भगवान ने फल फ्रूट बनाए, भगवान ने इतने भोजन बनाए, भगवान ने इतनी सब्जियां बनाई, उसको छोड़ के आप चाय पीते हो, कितने केमिकल इसमें डाले जाते हैं जो शरीर के लिए नुकसान देते हैं। तो इसको त्यागिए, मिल्क पीजिए, दूध पीजिए, किडनी बचानी है तो, अदरवाइज किडनी फेल हुई है वो तो हो ही जाएगी, आपकी मौत भी आपका इंतजार कर रही है। नेवर फास्ट फूड, मैदे की बनी हुई चीजें, बाहर का फास्ट फूड कभी मत खाइए, सेहत के लिए नुकसानदायक है, कभी हजम नहीं होता। ठीक, लेस यूज ऑफ साल्ट, अरे भाई नमक में पोटाशियम होता है, पोटाशियम से जो है आपको नुकसान, आपकी किडनी जो पहले ही फिल्टर अच्छा नहीं कर रही उसको और नमक खिलाते हो, नमक, नमकीन, नमकीन बिस्कुट, नमक की सभी चीजें, अरे इतना नमक अपना अंदर पैदा कर लिए, सब पॉइजन है, इसको कम खाइए साल्ट को। अगर आप ने ये किडनी फेल को ठीक करना है, फेल को पास करना है, तो नेवर यूज ऑफ शुगर, चीनी मत खाइए, बहुत सारे केमिकल डालते हैं, सेहत के लिए नुकसान है। गन्ना चूसिए, अगर गन्ना नहीं खा सकते तो गन्ने का जूस पीजिए, खजूर खाइए और बहुत सारे मीठे फल वो खाइए, चीनी मत खाइए, चीनी की बनी हुई मिठाइयां मत खाइए, ये आपको नुकसान देंगी। ये छह चीजें हैं, ये छह चीजें आपने अप्लाई करनी है, इसको सिर्फ एक महीना भी आप अप्लाई कीजिए, सिर्फ एक महीना चलते जाइए, चलना है चलना है। देखो आप एक जगह पे खड़े जाइए और चलते जाइए, लाते ऊपर नीचे नीचे ऊपर करते जाइए, उससे क्या होगा आपको पसीना आएगा, पसीने से कुछ वेस्टेज जो बॉडी की स्किन है वो बाहर निकाल देगी, उसका काम जो आपकी किडनी का काम वो कम हो जाएगा। जब किडनी का काम कम होगा उसको रेस्ट चाहिए तो आपको अच्छी नींद आएगी। जो लोग जितना ज्यादा चलते हैं उसको उतना ही नींद अच्छी आती है, जब नींद अच्छी आती है रेस्ट में जीवनी शक्ति अपना काम बहुत तेजी से करती है, तो आपकी जो किडनी फेल हो गई थी वो बहुत छेती 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 पास हो जाती है। ओके, तो इस नियम को फॉलो कीजिए और यह 100% श्योर है कि आप फिर से अच्छे हो जाएंगे, आपकी किडनी जो है बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, अच्छा फिल्टर करेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।